भारत में अब शायद ही बर्थडे सेलिब्रेशन ना जानते हों। बर्थडे मनाना भी स्टेटस सिंबल का हिस्सा बन चुका है। वैसे ज़्यादातर लोग बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें ये मॉडर्न कल्चर का हिस्सा लगता है। बर्थडे मनाने वाले 100 लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन जब शुरू हुआ था तब इसकी वजह कोई खुशी नहीं बल्कि डर था। हाँ, डर। ईसा मसीह से भी बहुत पहले यूनान देश अंधविश्वास से पूरी तरह डूबा हुआ था। छोटी सी आबादी वाले यूनान में हजारों बल्कि लाखों देवी देवताओं पर आधारित किस्से और अनगिनत बिलीव्स का समुन्दर बह रहा था। यूनान में जब कोई बीमार होता था तो समझा जाता था अपोलो देवता उससे नाराज हैं। यूनान में अपोलो देवता सेहत का देवता माना जाता था। आज भी दुनिया में बहुत से हॉस्पिटल का नाम अपोलो रखा जाता है। उसकी वजह यूनान का वही विश्वास है कि अपोलो सेहत का देवता है। इसी तरह के बिलीफ में यूनानियों का एक बिलीफ ये भी था कि जिस दिन जिस शख्स का जन्मदिन होता था उस दिन उस इंसान पर बुरी आत्माएं और चुड़ैलें हमला कर देती हैं। इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से यूनान के लोग आर्टिमिस नाम की देवी के पूजा स्थल पर बर्थडे पर्सन को ले जाया करते थे। आर्टिमिस को रोम में डायना कहा जाता है। आपने डायना लफ्ज काफी सुना होगा मूवियों में और वेब सीरीज में। वहां बर्थडे पर्सन मीठे आटे यानी केक से बने किसी बकरे की बलि चढ़ाया करता था। क्योंकि आर्टिमिस नाम की ये देवी को खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए केक की ही बनी ही बकरे की सिंबॉलिक सेक्रीफाइस से ही काम चलाया जाता था। उसके बाद उस केक को बर्थडे पर्सन और उसके रिश्तेदार मिलजुल कर खा लिया करते थे। थोड़ा सा केक बचा कर रख लेते थे, फिर मोमबत्तियां जलाई जाती थी। क्योंकि यूनानियों का विश्वास था कि रोशनी में डर कर बुरी आत्माएं भाग जाया करती हैं। बट पैराडॉक्सिकली कुछ देर बाद कैंडल बुझा कर अंधेरा कर दिया जाता था। क्योंकि यूनानियों का विश्वास था कि अंधेरे में दुआ जल्दी कबूल होती है। अंधेरा होने के बाद यानी कैंडल बुझाने के बाद बर्थडे पर्सन अपने लिए और अपने सभी रिश्तेदारों के हक में दुआएं किया करता था। इन सब के बाद भी इनका डर नहीं जाता था तो ये सारे लोग मिलकर खूब उल्टी सीधी आवाजें निकाला करते थे, खूब शोर मचाया करते थे ताकि बुरी आत्माएं डर कर भाग जाएं। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रिकॉशन के तौर पर बर्थडे पर्सन के चेहरे पर वह बचा हुआ केक लगा दिया जाता था ताकि अगर ये सब करने के बाद भी अगर बुरी आत्माएं ना भागी हों तो कम से कम बर्थडे पर्सन को पहचानना ही छोड़ दें, पहचान ही खत्म हो जाए और बुरी आत्माएं उसे ढूंढ ढूंढ कर खाली हाथ वापस चली जाएं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि जिसे हम मॉडर्न कल्चर का हिस्सा समझते हैं वो आज से 3000 या 4000 साल पहले रूढ़िवादों किस्सों में से एक हुआ करता था। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।